नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लिया है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाक की एलर्जी। दोस्तों, नाक की एलर्जी से यहाँ क्या मतलब है, यानी वो बीमारी जिसके अंदर बहुत से लोग जो है सिम्टम्स लेके आते हैं कि साहब हमें जो है बहुत ज्यादा छींक आती है, बहुत ज्यादा नाक से पानी आता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं जो नाक से रिलेटेड, इसको रूटीन में लोग आके कहते हैं सर मुझे नाक की एलर्जी है। और थोड़ा हम साइंटिफिक वर्ड अगर यूज करने की कोशिश करें तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस हम कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या लक्षण है, ऐसा क्यों होता है और क्या इसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं इसके सिम्टम्स से। दोस्तों, जैसा हमने बात की, हम बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस की या नाक की एलर्जी की, तो यानी हमारे जो नाक से रिलेटेड है यही हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट होगा या जो नाक की एलर्जी जो रूटीन में लोग कहते हैं, इसका पेशेंट को जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि उसको स्नीजिंग या छींक जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों में अक्सर देखने को मिलता है कि छींक जो है आती रहती है, और एक बार एक छींक आ गई तो दो चार पांच छींक, कई बार ऐसे लोग आते हैं कि सर मुझे एक साथ 15-20 छींक आती है। कुछ केसेज में ऐसा भी आते हैं कि सर मुझे एक साथ में 50-50 तक छींक आ जाती है। तो स्नीजिंग या छींक आना जो है एक बहुत ही कॉमन इसका सिम्टम है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें तो नाक से ही जो है रिलेटेड सिम्टम आ रहा है, वो सिम्टम है नाक से पानी आना, यानी आपको छींक भी आ रही है और नाक से पानी भी आ रहा है। उसी तरह से बहुत से लोगों के अंदर नाक के पानी के साथ में आंख से भी पानी आ सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर नाक से रिलेटेड और सिम्टम देखने को मिल सकता है कि उनमें देखने का मिलेगा कि उनके नाक के अंदर थोड़ा इरिटेशन सा होगा, ऐसे लगेगा नाक में जैसे कुछ खुजली सी आ रही है, बार बार वो नाक को ऐसा करेंगे नाक में इरिटेशन सा बना रहेगा। कई लोगों के अंदर ये होता है कि उनका जो नोज है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी उनके अंदर क्या होगा कि जैसे नाक बंद हो गया। दोस्तों, काफी लोगों में एक सिम्टम देखने को और मिलता है, वो है गले से रिलेटेड। उसके अंदर क्या होगा कि गले के अंदर भी एक इरिटेशन रहेगा, खराश रहेगा, और कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि उनके गले के अंदर मतलब कुछ जो है ड्रॉप हो रहा है, यानी जो नाक का सिक्रेशन है, पोस्ट नेसल सिक्रेशन आप कह सकते हैं, कि उनको लगेगा कि जो नाक से पानी वगैरह है वो गले के अंदर भी थोड़ा सा जा रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर इस बीमारी को टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए, इसका अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो, तो आगे समय में चल के कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं ENT, यानी ईयर नोज थ्रोट जो है आपस में, अंदर से आप कह सकते हो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर नाक से रिलेटेड जो एलर्जिक राइनाइटिस है, इसका ओन टाइम अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे चल के कई बार आपको कान से रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको हो सकता है कान में भी थोड़ा इरिटेशन महसूस हो। कई लोगों को क्या होता है कि सर हमें कान में दर्द होने लगा है, कई लोग आते हैं सर कान में हमें कुछ जो है आवाज आने लगी है। इसी तरह से दोस्तों, कई लोगों में जो है साइनस का इन्फेक्शन होने लगता है लंबे समय तक, जो है इस तरह का जुकाम आप कह सकते हो या एलर्जिक राइनाइटिस के कारण, तो साइनस से रिलेटेड इन्फेक्शन भी होने लगते हैं। तो आपको यहां पर दर्द होना, भारीपन होना, यहां पर भी आपको जो हैवीनेस या पेन भी आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, काफी लोगों के अंदर लंबे समय तक जो है एलर्जिक राइनाइटिस रहने के कारण नाक के अंदर पॉलिप बन सकते हैं, या आप कह सकते हो नाक में जो है मांस है वो बढ़ने लगता है। तो ये हमने सिम्टम्स जो है वो बात की कि सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ये जो नाक की एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस है ऐसा क्यों होता है, ये सबको तो नहीं होती। एक ही फैमिली के अंदर आप देखेंगे कि मतलब मान लीजिए चार मेंबर है, उन चार में से किसी एक को है, बाकी को नहीं है, है कि नहीं। या मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि एक ही जगह जो है दो तीन लोग खड़े हैं, तो कोई एक है वो अचानक स्नीजिंग या छींकना शुरू करता है, बाकी लोग नहीं करते, तो ऐसा क्यों। दोस्तों, होता क्या है कि हम सबकी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी का जो फाइटिंग फोर्स है, कि हमारी बॉडी को बाहर से अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एलर्जन, पोलन, कुछ भी अगर हमारी बॉडी पे कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल अगर अटैक करती है, तो हमारी बॉडी जो है उसको किस तरह से उस अपने प्रोटेक्शन देती है, उसके लिए इम्यून सिस्टम होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम आप कह सकते हो या तो कह सकते हैं वीक होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा ओवर सेंसिटिव होता है, वो हाइपर होता है। कि मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं और अचानक आपको तेज स्मेल आई, तो वो तेज स्मेल जो है आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने रही थी, तो बाकी लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी एक को जिसको कि एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है, उसको वो तेज स्मेल भी जो है वो उसका ऐसा लगेगा, उसका इम्यून सिस्टम को ऐसे उसको जज करेगा कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उससे जो है फाइटिंग के लिए शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण आपको इस तरह का स्नीजिंग और नाक से पानी आने वाले सिम्टम शुरू हो जाएंगे।
यानी आप कह सकते हो इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, या आप कह सकते हो थोड़ा ओवर सेंसिटिव अगर इम्यून सिस्टम जिनमें होता है तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसा अक्सर कब होता है तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो रूटीन के अंदर ये छोटी छोटी जो डे टू डे लाइफ में चीजें होती है वही परेशान कर रही होती है इन लोगों। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है तो उनके अंदर ये ज्यादा जैसे एग्जांपल सूट होने वाला है, तो मान लीजिए घर में ही कोई काम कर रहे हैं, है कि नहीं, घर में मान लीजिए डस्टिंग काम कर रहे हैं या और कोई झाड़ू निकाल रहे हैं, या हो सकता है आप किचन का काम कर रहे हैं, या कई बार कोई ऐसी जगह चले गए जहां आपको अचानक कोई तेज स्मेल है वो आ गई, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो आपकी बॉडी के लिए क्या है एज ए एलर्जन वर्क करने लगती है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर, मैंने बोला कि ओवर सेंसिटिव हो जाता है, और वो स्नीजिंग जो है वो आपको शुरू हो जाती है, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से बहुत से लोगों में क्या होता है कि पोलन है उसके कारण हो सकता है, कई बार सडन चेंज ऑफ जो टेम्परेचर होता है सर्दी है गर्मी है इनसे होने लगता है, आप गर्म जगह बैठे हैं अचानक जो आप ठंडे एक जगह चले गए टेम्परेचर चेंज हुआ उसके कारण हो सकता है, गर्म जगह है और ठंडे में जा रहे हैं यानी जो क्लाइमेट या टेम्परेचर का चेंज है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों बहुत से लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि वो जैसे ही मॉर्निंग में बिस्तर से उठते हैं तो कई लोग जैसे ही कहते हैं सर हम बिस्तर से उठ के और पैर रखते हैं जमीन पे और उनको छींक आनी शुरू हो जाती है, कई लोग जाके और अपना मुंह धोते हैं उनको स्नीजिंग शुरू हो जाता है उससे हो सकता है, कई लोगों दोस्तों धुएं से या पोल्यूशन से भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो लोग एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान है या वो लोग जो कि मैं कहूं अपन जैसा बात कर रहे थे नाक की एलर्जी से जो लोग परेशान है वो जानते हैं कि बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट उनको अक्सर कहीं नहीं मिल पाता, कुछ टेबलेट्स वगैरह आती है जो उनको मतलब लेनी होती है लेते रहिए और ये लाइफ टाइम एक प्रोसेस बन जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको 10 साल से 15 साल से लंबे समय से इस तरह से जो है टेबलेट्स खा रहे हैं और आप कह सकते हो एक तरह से कोई वो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा बस काम चला रहे हैं। दोस्तों ये अच्छी बात ये है कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपकी जो नाक की एलर्जी जो हम बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस है उसको बिल्कुल ठीक कर सकती है। ये बेसिकली मेडिसिन क्या करती है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपका जो वीक इम्यून सिस्टम है जो आपका ओवर सेंसिटिव जो इम्यून सिस्टम हो गया उसको नॉर्मलाइज करती है, जिससे कि अगर आपको इस तरह का कोई भी एक्सपोजर होगा तो उससे आपको स्नीजिंग या इस तरह की आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। दोस्तों रूटीन के अंदर हम बात करें कौन कौन सी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है वो है सोराइनम। दोस्तों सोराइनम को थोड़ा हायर पोटेंसी में यूज किया जाता है, सोराइनम को 1 एम पोटेंसी में यूज करना चाहिए और इसको महीने में एक बार सिर्फ एक डोज देना चाहिए। मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट शुरू किया फॉर एग्जाम्पल महीने की 1 तारीख को, तो वापस आपको अगले महीने की 1 तारीख को इस सोराइनम को रिपीट करना चाहिए, यानी महीने में सिर्फ एक डोज इसकी लेनी होती है क्योंकि थोड़ा डीप एक्टिंग ये रेमेडी है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम को आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं और इसको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है वो है एलियम सीपा। दोस्तों एलियम सीपा भी एलर्जिक राइनाइटिस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी 30 पोटेंसी में यूज किया जाना चाहिए और इसको भी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जो है यूज किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। दोस्तों नेट्रम म्यूर या नेट म्यूर इसको भी दिन में 3 बार यूज किया जाना चाहिए और ये भी 30 पोटेंसी में यहाँ यूज करने की मैं एडवाइस करूंगा। इसी तरह से नेक्स्ट और जो लास्ट हमारी मेडिसिन वो सबा डीला। दोस्तों सबा डीला भी 30 पोटेंसी में यूज करना है और इसको भी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम यूज किया जा सकता है। दोस्तों सारी मेडिसिन जो है पोटेंसी के अंदर है, तो पोटेंसी को लेने का आप तरीका जानते हैं कि डायरेक्टली टंग यानी जीभ पे 2 से 3 बूंद ली जा सकती है या सुगर ग्लोब्यूल्स के अंदर आपके डॉक्टर एज पर नीड आपको दे सकते हैं। दोस्तों ये मेन मेडिसिन थी जो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, एज पर इंडिविजुअल केस के अंदर, एज पर सिम्टम्स, एज पर नीड, एज पर हिस्ट्री, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जो आपके केस के अंदर निकल गए उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ दूसरी मेडिसिन भी दे सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया है उसके अंदर मेरा मकसद ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि अब जिंदगी भर तक जो है मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और मेरा एलर्जिक राइनाइटिस भी ठीक नहीं होगा। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं अपने पास में नजदीक में डॉक्टर साहब है उनसे जाके कॉन्टेक्ट करें, प्रॉपर उनके गाइडेंस पर ट्रीटमेंट लीजिए और डेफिनेटली दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी के बारे में जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।